वेद में एक मंत्र है बड़ा सुंदर, स यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभि निष्पद्यते। जैसी कामना मनुष्य करता है वैसा ही संकल्प करता है, और जैसा संकल्प करता है वैसा ही कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा ही बन जाता है। तो कामना हमारा स्वभाव है, आनंद पाना, इसलिए वो कामना बनाना भी हमारा स्वभाव है। अलग अलग कामना क्यों बनी? ये तुलसीदास सूरदास की कामना भगवान की क्यों बन गई, हमारी क्यों नहीं बनती, ये प्रश्न अलग है। हमने शास्त्रों वेदों और संतों की बात नहीं मानी या नहीं सुनी या नहीं समझी, इसलिए हम संसार से पृथक नहीं हुए, यानी संसार में हमारी कामना और बढ़ती जाएगी, आनंद प्राप्ति नहीं देगी, ये बात हमने नहीं समझी। हो सकता है अनंत बार सुना हो संतों का लेक्चर और उस समय सिर भी हिलाया, बात तो ठीक कहते हैं, लेकिन फिर संसार में आ सकता। तत्व विस्मरणात् भेकीवत, जो नॉलेज आपको वर्तमान काल में है वो आगे रहे ना रहेगी ना, उसके रखने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। आवृत्ति रस कर दुपदेशात, वेदांत कहता है बार बार सुनो, बार बार सोचो। सुनने को न भी मिले तो सोचो, हाँ संसार में सुख नहीं है, क्यों? इसलिए, क्यों? इसलिए तुम आत्मा हो, हाँ, और तुम्हारा ये शरीर है, हाँ, तो आत्मा परमात्मा का अंश है, हाँ, और शरीर माया का बना है, पंच महाभूत का, हाँ, ये शरीर जड़ है, हाँ, तुम चेतन हो, हाँ, तो तुम्हारा सब्जेक्ट स्पिरिचुअल भगवान है, हाँ, और शरीर जड़ है, इसका सब्जेक्ट ये जड़ संसार है। अलग अलग है बिल्कुल, जैसे आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, नासिका का काम सूंघना, सब अलग अलग है। अब अगर आप कान से देखने का प्रयत्न करें आंख बंद करके, तो लोग कहेंगे गड़बड़ हो गया, इसको अस्पताल ले जाओ, असंभव बात करता है। तो ऐसे ही आत्मा का सुख परमात्मा से मिलेगा, और हम संसार से देना चाहते हैं, ये खाओ, ये देखो, ये सूंघो, ये सुनो, ये चिपटाओ, बाप को चिपटाया, माँ को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, पति को चिपटाया, बेटे को चिपटाया, अरे जीवन भर यही किया, कुछ मिला? कुछ नहीं, वैसे के वैसे। तो ये बात हम लोग जो थोड़ा बहुत समझते भी हैं, तो उसको बार बार विचार में परिवर्तित नहीं करते। श्रोतव्य मंतव्य, वेद कहता है देखो हमारे सिद्धांत को सुनो और फिर मनन करो, तब निदिध्यासितव्य होगा। मनन, मनन, चिंतन, रिविजन। संसारी प्रेम देखो, संसारी दुश्मनी देखो, कैसे बढ़ती है? मनन से। एक लड़की जा रही है, दो लड़के पीछे जा रहे हैं। एक लड़के ने सोचा ये लड़की बहुत अच्छी है, हमको मिलनी चाहिए, इसको मिल के रहेंगे। दूसरे लड़के ने सोचा अरे होगी कोई, तमाम जाती रहती है। अब जिसने सोचा इससे मिलना ही है, उसने पीछा कर लिया,
और किसी बहाने आप कहां रहती हैं, आपके पिताजी कौन है, आपका घर कहां है, पता लगा लिया और फिर उसके पीछे पीछे घूमना शुरू किया, वो नहीं मिली तो रोना शुरू किया, रात रात जागना शुरू किया, ये बीमारी मोड़ ले लिया। और दूसरा दोस्त जो उसका था वो कहता है, अरे बेवकूफ क्या उसके चक्कर में पड़ा है, अरे तो शादी कर ले कहीं, तमाम लड़कियां हैं। अजी नहीं, मैं तो उसी लड़की, मेरे प्रतिज्ञा मेरी भी जिद्द है। ओहो, अरे ऐसी जिद्द भगवान के प्रति कर लेता तो कल्याण हो जाता, गधे क्या मिल जाएगा उससे। तो हम लोग मनन करके ही अटैचमेंट बढ़ाते हैं, चाहे दुश्मनी का हो चाहे राग का हो। ऐसे ही हमको गुरु और शास्त्र वेद के उपदेश का बार बार मनन करना चाहिए। इस समय आप लोग सुन रहे हैं और बड़ी अच्छी भावना है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। अब कब करेंगे, मर जाएंगे तब करेंगे, शरीर का क्या ठिकाना है। और फिर यहां से उठे और घर संसार का सब नाटक देखा है, बेटा है, बेटी है, बीबी है, पति है, सब भूल गए। फिर जब महाराज जी के पास आएंगे तो फिर वैराग्य हो जाएगा। इसको कहते हैं श्मशान वैराग्य। जब अर्थी लेके जाते हैं लोग, राम नाम सत्य बोलते तो थोड़ा सा सोचते हैं सभी, अरे सबको जाना है एक दिन, और वहां से लौट के आए घर में, अजी नहीं सबको थोड़े जाना है, हम थोड़े जाएंगे, अभी हमारी उम्रें क्या है। वो सिद्धांत वो ज्ञान भूल गया। तो कामना भगवत संबंधी करना बस इतना सा काम है। हम कामना छोड़ने का प्रयत्न न करें, क्रोध छोड़ने का प्रयत्न न करें, लोभ छोड़ने का प्रयत्न न करें, बस कामना को घुमा दें भगवान की साइड में। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, यही पांच कामना है आपकी, छठी कोई कामना हो नहीं सकती। देखने की कामना, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, या भक्तों का भगवान हो, देखने की कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की कामना, स्पर्श करने की कामना, इन्हीं पांच कामनाओं को डाइवर्ट कर दो, घुमा दो भगवान की साइड में। बस देखो, एक लड़की जा रही है, उसको एक लड़के ने छेड़ दिया खाली जबानी, और उसने देखा पीछे गुस्से में, और अगर कहीं उसकी साड़ी और बेड़ी कोई चीज छू ले तब तो फिर चप्पल से मारेगी वो। हाँ, चप्पल उठा लिया उसने। उसकी सहेली ने कहा, हे इसी से तेरी सगाई हुई है। अच्छा, इसी से हुई है, बड़ा सुंदर है। तो सब भूल गया वो चप्पल उप्पल, अब उसको देखने की चिंता हो रही है, फिर से चोरी से देखूं, फिर देखूं। अरे क्या हो गया भाई, लड़का तो वही है। हाँ वही है जी, लेकिन वो जब समझ में आ गया कि इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा तो अटैचमेंट हो गया इमीडिएटली, प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा। एक भिखारी था, तो सिद्ध बाबा था वो, तो एक चपरासी के घर में गया और कहा, बाबा खाना खिला दे, मैं तुझको पारस दूंगा। पारस, पारस लोहे में छुआ दो तो सोना बन जाए लोहा। तो बोला भाला वो चपरासी था, उसने कहा कि लो भैया खाना खा लो, ये पारस है। हाँ अच्छा, हम अपने साहब को देंगे, हम क्या करेंगे। साहब आए शाम को ऑफिस से, तो वो आया चपरासी, उनने कहा, हुजूर एक भिखारी आया था, उसने कहा खाना खिला दो तो हम पारस देंगे, तो वो हमको ये पारस दे गया। साहब आईएएस
बड़ा गुस्से में आया कि बेवकूफ गधा, अगर उसके पास पारस होता तो भीख मांगता। हाँ ठीक भी है, उसका लॉजिक गलत नहीं है। तो उसने पत्थर को फेंका ऐसे, वो सामने जाके सिटकिनी में लगा, वो सोने की हो गई। उसने देखा गौर से कि ये पीली कैसे हो गई सिटकिनी, ये तो लोहे की है। फिर उसने उठा लिया पारस को और जगह छुआया, हाँ ये भी सोना हो गया, अरे ये भी हो गया। उस चपरासी को जिसको सामने खड़ा होने का उसको साहस नहीं था, उसको चिपटा लिया और अब भाड़ में जाए सर्विस, तो हमारे पास पारस है, भिलाई में, तारापुर में, इन सब दुर्गापुर में, इन सब फैक्ट्रियों में लोहे की छुआ देंगे, सब सोना ही सोना हो जाएगा। तो देखो, जब उसने जाना कि ये कॉमन पत्थर है, चपरासी दे रहा है, तो फेंक दिया गुस्से में, और जब जाना कि ये पारस है तो प्यार हो गया। अभ्यास नहीं किया प्यार का या खार का, इमीडिएटली हो गया। ऐसे ही अगर हमारी बुद्धि में गुरु का वाक्य, वेद का वाक्य बैठ जाए, बैठ जाए, फिर उठे ना, कि ये जीवन नश्वर है, इसलिए आत्मा का जो आनंद का लक्ष्य है वो परमात्मा श्री कृष्ण से ही हल होगा, बस ये डिसीजन हो जाए, फिर भगवत प्राप्ति में कुछ देर नहीं। अगर देर भी हो तो क्या करना है, होगी। अगर कोई कहे साल भर लगेगा, साल सही, दो साल सही, एक जन्म सही, दो जन्म सही, दृढ़ निश्चय हो, डाउट ना हो, दृढ़ निश्चय। जैसे मैं, इसका निश्चय है आप सबको, मैं हूं, मैं हूं, जो मैं कल वहां था वही मैं हूं, जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूं। इसी प्रकार मैं के साथ साथ अपने पालक को भी रियलाइज करना है, मैं बालक है और मैं का बाप पालक है भगवान, दोनों को एक साथ रियलाइज करो, बस काम बन जाए।